हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रितु की शुद्ध रसोई। और आज हमने बनाई है स्पेशल मिठाई, और ये मिठाई इतनी टेस्टी बनी है, मुंह में घुल जाने वाली और दानेदार। तो चलिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि ये कितनी स्मूथ बनी है। इस मिठाई को बनाना काफ़ी आसान है फ्रेंड्स। ना हमने इसमें मावे का यूज़ किया है, ना हमने चाशनी बनाई है, ना ही घंटों हमें गैस पे इसे बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही कम टाइम में ये बनके हो जाती है रेडी। और यहाँ तक भी हमने यहाँ पे घी का भी, बहुत ही एक चम्मच घी में ये बनके हो जाती है रेडी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी डिलीशियस बनी है, आप इसके दाने दाने देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा नज़दीक से आपसे आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ, ये देखिए। और एकदम से पेड़ों के जैसी ये बनके हुई है रेडी। तो फ्रेंड्स चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज की स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा कटोरी मिल्क पाउडर, और आधा कटोरी के लगभग ले लिया है हमने पनीर। तो यहाँ पे मेजरमेंट का कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है। तो आपने पनीर को डाल देना है मिक्सी के जार में। अब हम इसी में डाल देंगे मिल्क पाउडर, आधा कटोरी मिल्क पाउडर के साथ आधा कटोरी हम इसमें डाल रहे हैं दूध। तो यहाँ पे दूध की मात्रा आप थोड़ी ऊपर या नीचे कर सकते हो। सिर्फ इतना होगा कि जब आप गैस पे इसको बनाएंगे ना, दूध यदि आप ज़्यादा डालेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक यहाँ इसको पकाना पड़ेगा। तो मैंने ऐड कर दी है 2 चम्मच चीनी। तो 2 चम्मच चीनी यहाँ पर काफ़ी रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। वैसे आप टेस्ट करके देख सकते हैं, यदि आपको लगे मीठा कम है तो आप इसमें और भी मीठा ऐड कर सकते हो। मिक्सी के जार में डाल के हम इसको एकदम से स्मूथ बना लेंगे। यदि आपके पास मिक्सी की सुविधा नहीं है या फिर लाइट नहीं है, तो आपने पनीर को अच्छे से हाथ से मैश कर लेना है, ताकि उसमें कोई भी दाने दाने ना रहे। तो हमारा ये मिक्सचर भी बनके हो गया है रेडी। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक कढ़ाई में, डायरेक्ट ही हम इसको एक पैन में निकाल लेंगे। और पैन में निकालने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच घी। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी डालना भी ऑप्शनल है फ्रेंड्स, क्योंकि घी से ना थोड़ा सा इसका टेक्सचर और स्मूथ हो जाएगा, एकदम से इसमें चिकनाई आ जाएगी। तो वैसे तो मिल्क पाउडर और दूध सब में चिकनाई होती है, तो 1 चम्मच भी डालना आपके लिए ऑप्शनल। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो लगातार हम इसको गैस पे रखे, लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। इसे हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। तो बहुत ही जल्दी 2 से 3 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। तो फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर, और जब तक ये डो फॉर्म में आ जाए तब तक हम इसको घुमाते रहेंगे। तो इलायची पाउडर की जगह आप इलायची कूट के डाल सकते हैं, या फिर आप इसे इसमें रोज एसेंस कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद का। बिना इलायची पाउडर आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट में ही हमारा डो एकदम से बन के हो गया है रेडी। गैस को कर देंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। और हाँ, मैं इसकी ना थोड़ी सेप बना रही हूँ। यदि आपने बर्फ़ी जमानी है तो आप अभी इसकी बर्फ़ी जमा सकते हैं। तो बीच में इसको चला देंगे, ताकि ये नीचे तले पे ओवरकुक ना हो। मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे कलर डालना ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑरेंज रेड कलर, आप इसकी जगह पे अपनी पसंद का कोई भी कलर डाल सकते हैं। तो मैंने सूखे वाला कलर डाला था, तो साथ में डाल दिया है 1 बूंद पानी, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो कलर मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा कलर मैंने और ऐड कर दिया है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हल्का सा गर्म है ये, इसलिए मैं हाथ से नहीं कर पा रही थी, तो मैं चम्मच से कर रही हूँ। ठंडा होने के बाद आप इसको हाथ से भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारे दोनों कलर भी हो गए हैं रेडी। तो चलिए अब हम अपनी मिठाई की शेप बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी गोल शेप बनाऊँगी, आप चाहें तो कैसी भी शेप बना सकते हैं, लड्डू के जैसे बना सकते हैं, या सिलेंडर शेप बना सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप वो बना सकते हैं।
व्हाइट वाले डो की छोटी छोटी सी हम बोल बना लेंगे। तो आपको यदि बड़े साइज में बनानी है तो आप बड़े साइज से भी बना सकते हैं, आपको कोई और शेप बनानी है तो आप वो बना सकते हैं। तो अंदर वाली साइड में इसको रखूंगी व्हाइट और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे अपने ऑरेंज रेड वाले से डो से। तो अब हम एक ऑरेंज का भी डो उठाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से इसको फैला लेंगे और व्हाइट वाली शीट को इसके अंदर रखे हम इसको अच्छे से चारों तरफ से इसको कोट कर देंगे और ये बड़ा ही अच्छा दिखेगा फ्रेंड्स। साइड में से थोड़ा सा रह गया है तो इस पे भी हम लगा देंगे थोड़ा सा डो और इसे भी अच्छे से कवर कर देंगे। तो बड़ी ही आसानी से ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से लड्डू बन के हो जाएंगे रेडी। और ऐसे ही हमने अपने सभी लड्डू को रेडी कर लेना है और आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा बना है। इसे रख देंगे प्लेट में और मैंने अपने सभी लड्डू रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। तो मेरे को ना थोड़ी सी लंबी साइज उसमें बनाना है शेप में, तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको गोल भी रख सकते हैं। तो इन सबको मैंने लंबा कर दिया थोड़ा सा सिलेंडर शेप का। तो हमारी सभी स्वीट बन के हो गई है रेडी। ऊपर से मैं इसमें डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, चांदी का वरक लगा सकते हैं, कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं, या आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये भी मैंने अच्छे से छिड़क दिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी अट्रैक्टिव दिख रही है। तो हमारी मिठाई बनके हो गई है रेडी। और फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मैं आपको ये काट के भी दिखा देती हूँ कि अंदर तक कितनी दानेदार बन के रेडी हुई है। तो ये देखिए इनका टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और यदि नहीं अच्छी लगी तो भी मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। तो ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ।